क्या कर सकते नहीं अंकल, वो हमारे दिल में हमेशा। आप कभी हमारे शहर में और बिहार मतलब आज तक भैया वहाँ नहीं आए। बिहार में, बिहार में मीटअप रखना है। अभी सर्दी में आएंगे क्योंकि अभी ना गर्मियाँ हैं। ठीक है, अच्छा पैदल आ रहे हो आप। अच्छा अपने ब्लॉग में डालोगे? हाँ ये डालूंगा मैं। मैंने पहले आज दो तीन दिन पहले पोलो जीटी की ब्रेक पैड चेंज करा रहा हूँ। मैंने कहा मैंने अचानक इधर से जा रहा था, मैंने आपको देखा, मुझे लगा बस आपके जैसा पिता हर किसी को मिले। मिलना चाहिए। आज खाया आप लोगों ने? हाँ हमने खा लिया है। कब खाया? सुबह में। ये खाना तो बताओ। नहीं नहीं अंकल बिल्कुल। आप आज कहाँ रुकोगे? अभी यहाँ पे परेड ग्राउंड है ना। हाँ। वहाँ पे एक दोस्त रहता है, उसी के घर पे मैं। अच्छा आज कॉल कर रखा है कि आज मेरे यहाँ। वो नया गेम शुरू कर रहा हूँ। हाँ जी। सब्सक्राइबर को हाँ। जिसकी भी चिट्ठी हाथ में आ गई वो फिर मेरे साथ पूरे दिन भर बाइक पे घूमेगा, मेरे साथ खाना पीना जो इच्छा है उसकी, खाने पीने की ना। कि अगर भाई है 20 लाख की गाड़ी है तो लोग तो देखेंगे ना। देखते ही हैं। तो उसे अगर आप गलत नजरिए से देखते हो तो ये गलत है। प्लीज उसको किस बिहेव में ले रही। देखो कोई पब्लिक आके शिकायत करे तो मानते हैं। पब्लिक को तो कहते हैं और करो। मजा आता है पब्लिक। हाँ, रिएक्शन ले। अब पुलिस वाले ऐसे ना भैया, देखो 1000 सीसी का इंजन है उसमें तो वैसी आवाज तेज है। बिल्कुल। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू अनदर ब्लॉग। तो फिलहाल अब हम निकलते हैं यहाँ से देहरादून चकराता को, क्विट करते हैं अपने दोस्तों को, करते हैं बाय बाय। और यहाँ पे मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद यार, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। 5 दिन तक भाई ने हमको रखा, इसके लिए दिल से धन्यवाद। हम निकल चुके हैं FRI के लिए। आयुष भाई हमको आया था यहाँ पे छोड़ने, तो मिलते हैं भाई फिर से। भाई से हाथ मिलाते हैं, बहुत भाई ने मदद किया, अपने घर पे 5 दिन का स्टे दिया। फिर मिलते हैं भाई, भाई अगर रहा तो जरूर आएंगे। और अभी केदारनाथ का भी प्लान चल रहा है तो इनका भी प्लानिंग है, तो ये भी आएंगे। तो मिलते हैं फिर भैया, हैप्पी जर्नी, थैंक यू, लव यू। तो गाइस फाइनली अभी मैं 4 किलोमीटर चल चुका हूँ और अभी तक मैंने लिफ्ट लेने का ट्राई नहीं किया क्योंकि मुझे अभी थकान सा फील नहीं हो रहा है। लेकिन और जब मुझे थकान सा फील होगा तब मैं लिफ्ट लूँगा, अभी मुझे कुछ भी फील ना हो रहा। अभी आगे चेको यहाँ पे देखो गुरु नायक। तो गाइस फाइनली अभी हम चलते ही चलते एक हमें दुकान दिखा जहाँ पे हम ये झंडा ले ले रहे भाई, बैग के ऊपर लगा लेंगे अच्छा लगेगा। तो गाइस डंडा ले लिया, अब इसको बैग पे लगा करके चेक करते हैं कितना ज़्यादा हाइट हो जाएगा तो दिक्कत आएगा यार और भी चलने में, बट कोशिश करते हैं। अब एक मंदिर है श्री सिद्धि हनुमान मंदिर, श्री बालाजी धाम, ग्राम झाजरा, देहरादून। विजिट नाउ ब्रो, हर हर महादेव। चेक दिस गाइस, चेक करो कितना दिव्य। महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। यहाँ ऊपर में भी चेक करो भाई, चेक दिस गाइस। इन जगहों पे ना यार आप स्टे कर सकते हो भाई, घूमने का यही तो फ़ायदा, बस मंदिर मंदिर मिले वहाँ पे आप आराम से स्टे कर लो। और मैं आपको दिखाता हूँ अच्छा सा मंदिर है। मैं तो खाना वाना खा लिया, पूजा तो नहीं कर पाऊँगा, बट दर्शन कर लेते हैं थोड़ा सा प्रभु की। श्री सिद्धि हनुमान मंदिर बालाजी महाराज जी, चेक करो भाई यहाँ पे भीड़ लगा। अच्छा यहाँ पे भंडारा भी होता है, भंडारा खा लिया जाए? चलो मैं भंडारा खाता हूँ अभी। चेक दिस गाइस, कितने ज़्यादा लोग यहाँ पे हैं, एक्टिव। चेक कर लो भाई, खाता हूँ मैं भी भंडारा। भंडारा ही चल रहा है ना भाई? ये क्या चल रहा है यहाँ पे? भंडारा ही है ना, प्रसाद है ना भगवान का। तो गाइस ये व्यू देख रहे हो भाई, उधर से मैं आ रहा हूँ, उधर से हो करके ना मैं आ रहा हूँ भाई। अभी देखो इधर भी पूरा तीखा चढ़ाई है, इसको चढ़ना पड़ेगा। तो गाइस फाइनली FRI से सिर्फ 6 किलोमीटर की दूरी पे अभी हम हैं और जा रहे भाई। बहुत तगड़ा वाला रिएक्शन मिल रहा है यार लोगों का। 9 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद हम एक ब्रिज पे पहुँचे अभी। ये देखो भाई कितना अच्छा सा नज़ारा, चेक करो। तो भाई सिर्फ 2.5 किलोमीटर बचा है हमें FRI कवर करने के लिए। अभी हम बैठे हैं दुकान पे, होल्ड लिए भाई, पसीना से एकदम थक गया, कहीं भी लिफ्ट नहीं मिला था। तो अभी पानी वानी पीते हैं, इसके बाद फिर आगे भगवान करेंगे। तो ये पानी बोतल, एक लाहौरी जीरा, भूख भी लगा भाई तो पहले इसको प्रयोग कर लेते, इसके बाद कुछ खाते तब निकलते हैं भाई। रेस्ट बहुत ज़रूरी है, यानी 11 किलोमीटर हो गया भाई नॉन स्टॉप। भाई ये जो सामने में है ये है उत्तरांचल यूनिवर्सिटी देहरादून का। उत्तरांचल यूनिवर्सिटी हम क्रॉस कर चुके हैं, अभी चलते आगे। गाइस फाइनली पैदल चलते चलते पहुंच चुके हैं देहरादून और अभी हम जा रहे हैं सिट्टू भाई के घर पे क्योंकि FRI खुला नहीं था। FRI तो बंद है वहाँ, 5 बजे बंद हो जाता है। लेकिन एक चीज़ मुझे दिखा जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये चेक करो भाई, ये चेक करो भाई, कितना सुंदर सुंदर सा मूर्ति दिख रहा है, मिट्टी का बनाया, चिन्नी मिट्टी का। ये देखो भाई साहब, पैदल चलते चलते ना थोड़ा सा थकान सा फील हो रहा है और अभी यहाँ से देखो भाई पूरा ढल रहे हैं हम,
ये शॉर्टकट है कोई रास्ता मुझे भैया ने एक बताया। भाई फर्स्ट डे चैलेंज है एक्सेप्टेड एंड देन अभी हम देहरादून से सिर्फ 2 किलोमीटर पीछे है और 2 किलोमीटर के बाद हम देहरादून पहुँचेंगे। वहाँ पर हमें सिट्टू भाई जो है हमसे कॉन्टेक्ट करेगा, हम जाएंगे सिट्टू भाई के घर और नाइट स्टे जो है हमारा सिट्टू भाई के ही घर पे होगा और कल का जो होगा कल का जहाँ तक का ट्रैवल आप लोग दे दोगे वहाँ का जाके कवर कर देंगे। फिलहाल अभी तो मतलब भाई आज मैं 36 किलोमीटर जो है ना लगभग मैंने कवर कर दिया, 36 किलोमीटर यानी मैं जहाँ से चला वहाँ से 36 किलोमीटर था एक प्रॉक्स 12:30 में चला था मैं और अभी मैं देहरादून से सिर्फ 2 किलोमीटर पीछे हूँ यानी मेरा 36 किलोमीटर आज का कंप्लीट हो गया। ठीक है अब कल का देखते हैं क्या होगा, कुछ भी नहीं पता, बस आप लोग सपोर्ट करना यार। हर हर महादेव, जय श्री राम, और अपने फैमिली में इस वीडियो को शेयर करते रहना और अगर प्लानिंग बना तो निकल जाएंगे फिर चार धाम के लिए भी, बट देखते क्या होता है। आज तो मेरा पैर पूरा फर्स्ट डे था उसमें थोड़ा सा दिक्कत आया, पैर में पूरा दिख रहा है लेकिन बिल्कुल सही है भाई, मज़ा आ गया। एक जगह मैंने हॉल्ट किया था जहाँ मैंने थोड़ा सा पानी वानी पिया था और इसके बाद मैं चल रहा हूँ अभी कंटिन्यू और लगभग 18 से 20 मिनट में मैं पहुँच जाऊँगा। 2-2.5 किलोमीटर और रह गया, बस 2 किलोमीटर ही मान लो, वहाँ मिलते हैं। फिर पहुँचने के बाद भाई को कॉल करते हैं, उसने बोला ऑटो लेके आ जाइए, मैंने कहा नहीं भाई मैं आऊँगा तो पैदल ही, तू बस लाइव लोकेशन भेज दे। तो उसने कहा ठीक है मैं भेजता हूँ, तो पहले स्टेशन चलते हैं फिर मिलते हैं आपको। तो बोलो हर हर महादेव। एक हमें बाबा मिले हैं ये इस यात्रा में जो कि साइकिल से पूरा यात्रा कर रहे हैं। कहाँ कहाँ आप चले गए? मैं तो बहुत दूर दूर होया बेटा, इधर केदारनाथ, बद्रीनाथ, जोशीमठ, गंगोत्री। अब चारों धाम का यात्रा आप कर चुके हैं, वो भी मैंने जाना है मावा कोट जा रहे हैं बाबा। और एक बात बताओ, सिद्धबली एक बात बताओ, बाबा चप्पल नहीं पहने, देख लो भाई बिना चप्पल के पूरा यात्रा, बहुत बढ़िया लगा बाबा, बहुत बढ़िया आशीर्वाद दिया आप बस, धन्यवाद। पूरा नाम क्या पड़ता है? वीरू विनायक। अच्छा विनायक आ गए बाबा, ये नहीं ये मैं सबसे चाय पी लेता, धन्यवाद मेरे बाबा जी, बाबा ने अभी दे रहा हूँ ये। अरे बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा दिल्ली से अभी मैंने गाजियाबाद जाना है, हाँ जी वो जाऊँगा मैं अगले महीने। अच्छा तो मैं लोगों की सेवाओं में आना, चौथा नहीं माना तो फिर ये डंडा है। हाँ अच्छा बेटा सब अच्छा बोलते यहाँ पर सब बोलो। हाँ नंबर है तुम्हारा? हाँ जी हाँ जी। चलो कभी वो देखो पैसे गिर गए। जय बाबा जी, जय बाबा। आप फिर शाम को कर देना। हाँ जी बिल्कुल है ऐसा। वैसे मैं घर से पांडे हूँ। अच्छा भाई का पांडे हूँ। अच्छा लखनऊ से आगे का हूँ। अच्छा ठीक है। अच्छा तो मैंने देखा था मुझे भी जब आदेश होता है ऊपर से तभी रुकता हूँ, महात्मा बदेरे घूमते हैं। ठीक है बेटा ठीक है जी, खाना पीना मत। हाँ बिल्कुल, देहरादून में पहुँच चुके हैं, यहाँ पे एक बाबा मिले थे और अब हम जा रहे हैं अपने भाई के पास परेड ग्राउंड। तो वहाँ पे जाते वक्त यहाँ पे एक बाबा मिले जिन्होंने बहुत अच्छा ज्ञान दिया और भाई मुझे परेड ग्राउंड, इसके बाद फिर मिलते हैं आपको सीधा आप डायरेक्टली दोस्त के पास जाने के बाद क्योंकि नाइट स्टे आज वहीं का होने वाला है। लेट्स सेट एंड गो। हर हर महादेव। अभी मैं जा रहा था अपने दोस्त के घर पे, पैदल आया और आज भगवान ने मेरी सुन ली यार, कसम। पीछे आप गाड़ी देख रहे हो ना, ये पोलो लगी हुई, ये भाई प्रो राइडर 1000 की है और सामने में आगे में होटल के जो ये जो कोई शॉप है उसके अंदर में उनके पापा हैं, आओ मैं उनको मिलवाता हूँ भाई आपको। भाई ये गाड़ी से मैंने पहचाना यार, 2900 अगस्त भैया की गाड़ी है यार और मेरा सपना सच हो रहा है भाई। आपसे अंकल बुला रहे भाई। क्या बोल रहे हो? नमस्ते अंकल। कहाँ से हो तुम? बिहार। पैदल आ रहे? नहीं दिल्ली से पैदल। दिल्ली से क्यों? दिल्ली से भी पैदल यात्रा कर लो, वीडियो देखा था ये पूरा देहरादून घूमना है पैदल। हाँ क्यों? ऐसे ही बस एक ड्रीम है कि पूरा सफर। और नंगे पैर? नहीं नहीं चप्पल में नीचे खोल। नहीं तो चप्पल पहन के हो या तो ये वर्कशॉप है यहाँ पे तो डीजल पेट्रोल लग जाएगा। हाँ जाओ कल। मैं कब से यहाँ आने के बाद मैंने प्लान किया था आपके पास आने का, कल का ब्लॉग भी देखा। अच्छा। दीदी जो लाइव आई थी वो भी मैंने वीडियो देखा। अच्छा तो बहुत पहले से भैया का। ठीक है अच्छा पैदल आ रहे हो आप। अच्छा अपने ब्लॉग में डालोगे? हाँ ये डालूंगा मैंने पहले आज 2-3 दिन पहले पोलो जीटी की ब्रेक पैड चेंज करा रहा हूँ। मैंने कहा मैंने अचानक इधर से जा रहा था मैंने आपको देखा मुझे लगा, फिर मैंने अभी देखो आप बिलीव नहीं करो मैं वीडियो देखा फिर कार का नंबर मिलाया कि अंकल ये या ऐसे ही मतलब अंदर जाऊँगा तो कोई बोलेंगे। ये देखो ये बात यहाँ से मेरी गाड़ी का नंबर मिला है। आज तो 2 मिलियन भी हो गई और मेरा भी दिन कल ही हो गए थे। कल दीदी लाइव आई थी। हाँ शाम के टाइम मिली तो मेरे को भी उसने बताया क्योंकि मेरे उसमें नहीं था, फिर लड़के लोग थे साथ में केक वेक लिया। मैंने कहा क्या कर भैया 2 मिलियन हो गए, मैंने कहा थोड़ा पहले बताते हैं
पार्टी में करते, लेकिन बहुत बहुत परेशान, केक वेक ला, थोड़ा बहुत खाटा वाटा बच्चों की खुशी के लिए, हमने क्या कर सकते, जो असली बॉस है वो तो है, क्या कर सकते। नहीं अंकल, वो हमारे दिल में हमेशा, आप कभी हमारे शहर में और बिहार, मतलब आज तक भैया वहाँ नहीं, बिहार में, बिहार में मीटअप रखना है। अभी सर्दी में आएंगे क्योंकि अभी ना गर्मियां हैं, ठीक है। आपकी यात्रा सौभाग्य, आपकी यात्रा शुभ हो, आशीर्वाद देना, बस आपके जैसा पिता हर किसी को मिले, मिलना चाहिए। बिल्कुल, आज ने खाया आप लोगों ने? हाँ, हमने खा लिया है। कब खाया? सुबह में। ये खाना तो बताओ। नहीं नहीं अंकल, बिल्कुल। आप आज कहाँ रुकोगे? अभी यहाँ पे परेड ग्राउंड है ना, हाँ। वहाँ पे एक दोस्त रहता है, उसी के घर पे मैं। अच्छा, आज कॉल कर रखा है कि आज मेरे यहाँ। चलो ठीक है, आपकी यात्रा के लिए आपको बधाई हो। रैप्टर भी आ गई है, ये भी अच्छा कर रहे हो। थैंक यू। रैप्टर भी आ गई। ओ, मैंने बहुत पहले से लोकेशन भी देखा। आप आ जाते हैं लोकेशन तो? ये तो मेरा किस्मत अच्छा था। आ जाता लोकेशन? हाँ, मैप पे आ जाता है ना। हाँ, प्रो राइडर बनता तो डालो एकदम आ जाता है। आ जाता है, मैंने देखा तो बहुत पहले अंकल देखा। नहीं, जैसे डालोगे आ जाओगे प्रो राइडर बनता हूँ। गूगल पे जैसे डालोगे पूरा एड्रेस आ जाता है एकदम, बिल्कुल घर के आगे खड़ा कर देगा। ओल्ड कनॉट प्लेस, और आपने फिर एक वो कम्युनिटी लगाया था तो उससे भी मैंने देखा था। अब मैं वो एक नया गेम शुरू कर रहा हूँ, मैं एक वो नया गेम शुरू कर रहा हूँ। हाँ जी, सब्सक्राइबर को, हाँ, जिसकी भी चिट्ठी हाथ में आ गई, हाँ, वो फिर मेरे साथ पूरे दिन भर बाइक पे घूमेगा, मेरे साथ खाना पीना जो इच्छा है उसकी, खाने पीने की जो शहर में मिलता हूँ। हाँ जी, और बस जाते हो रिटर्न के, बिल्कुल। तो 5-6 घंटे मेरे साथ बिताएगा ना बस, अपनी बहुत, मेरी फेवरेट बाइक तो हर कोई है, लेकिन सब्सक्राइबर की फेवरेट बाइक रखता है तो उस पे बैठने का मौका मिलेगा। क्या भाई, लोग तो छूने भी नहीं देते अपनी गाड़ियाँ, बैठने भी नहीं देते। अंकल आपने बहुत सही किया, आपका टोटल ब्लॉग टोटल वीडियो मैंने देखा है कि गाड़ी को रैप नहीं कराना चाहिए, नहीं, नहीं, ये इलीगल है। और भैया जब साइलेंसर चेंज करते थे तो आप सजेस्ट भी करते थे पहले भी और आज भी? देखो, एग्जॉस्ट एक नॉर्मल चीज है। हाँ जी, एग्जॉस्ट को आप लगाओ, कोई पुलिस वाला भी मना नहीं करता है। हाँ, लेकिन आप फालतू में किसी के कान के पीछे करोगे, हाँ, तो भैया पब्लिक के, आप पुलिस वाला नहीं, लेकिन आपने ये भी बात तो सही कहा था ना कि अगर भाई है 20 लाख की गाड़ी है तो लोग तो देखेंगे ना, देखते ही हैं। तो उसे अगर आप गलत नजरिए से देखते हो तो ये गलत है। प्लीज उसको किस बिहेव में ले रही, देखो कोई पब्लिक आके शिकायत करे तो मानते हैं, पब्लिक को तो कहते हैं और करो, मजा आता है पब्लिक रिएक्शन ले। अब पुलिस वाले ऐसे ना भैया, देखो वो भी बंधे हुए हैं कानून से, अपने अधिकारियों से बंधे हुए हैं। कोई एक चिढ़ जाएगा वो खुद तो आएगा नहीं, वो दूसरे को बोलेगा, दूसरा दूसरे को, सही बात, पकड़ते हो बुलेट वालों को, फंसते हैं हमें, क्योंकि बुलेट वाले पटाखा मारते हैं, गनशॉट मारते हैं, मारते हैं, हमने देखा, बिल्कुल बिल्कुल, वो सुपरबाइक वाला पटाखा नहीं मारता। मैं आया हूं इधर से भी, बहुत लोग हैं बुलेट वाले, हां बस उनके चक्कर में हम सुपरबाइक वाले फंस जाते हैं। लेकिन हमने पहले ही बता रखा, मैंने कहा जी कोई ऐसा इलीगल काम ना करो जिससे कि जनता भी परेशान हो या हम भी परेशान हो, अपना हफ्ते में एक दिन गाड़ी निकालते हैं चलाते हैं, क्या फर्क है। सही बात भाई, 1000 cc का इंजन है उसमें तो वैसे ही आवाज तेज है, बिल्कुल, और माइलेज भी 10 की देती है, है? 10 की तो माइलेज भी देती है ना। हाँ, अब तो बंद भी गई। माइलेज एवरेज। कल ही आप आए लेके उसको, परसों रात में? परसों रात को ले गया दिल्ली से। कल मंदिर ले गया था, पूजा वूजा कराई, फिर बच्चे आए, मैंने कहा अब बैठो इस पे, फिर वो आ रहे हैं, कोई फोटो खींच रहा है, कोई कुछ कर। मैं भी आऊंगा अंकल एक बार। हाँ, जब मर्जी, कल शाम, क्योंकि दिन में मैं थोड़ा आउटिंग, ठीक है। और दीदी माँ जी वो लंदन साहब अभी मेरे साथ ही थी, मैंने अभी घर उतार दिया, थोड़ा मैंने ब्रेकफास्ट चेक कर दिया, ब्रेकफास्ट बोलो की। चलो भाई, आज मेरा बहुत बढ़िया किस्मत था, अंकल से मिल गए। अंकल से क्या मतलब, एक ऐसे पिता से मिले हैं जिनसे हर किसी को मोटिव लेना चाहिए कि भाई ऐसे पिता हर किसी को। लद्दाख के लिए राइड के लिए तैयार हो रहे हैं, लद्दाख के लिए बना रहे हैं। बहुत जल्दी लद्दाख का ट्रिप आने वाला है। कौन सी बाइक पे? रैप्टर पे। रैप्टर ही ले जाने की थी, अगस्त में जाना था, वो तो नहीं जा पाएगा, तुम्हारे दिल में जाएगा। आपने तो पहले ही कह दिया कि बेटा तू जहाँ नहीं गया वहाँ तेरी गाड़ी मैं पहुँचाऊंगा। पहुँचानी है भाई ये, और हर लोग आप लोग सपोर्ट करो, और उनका 2 मिलियन का जो था वो भी हो गया, मतलब टोटल ब्लॉग में बहुत पहले। जब तक कई मिलियन नहीं होंगे ना तक हम रोक, क्या बात, बस कंटिन्यू रहना अंकल, हम लोग थैंक यू, आराम से जाना, आराम से, बिल्कुल आराम से जाओ, फोटो ले लेते हैं, इसी से निकाल लेना फोटो वीडियो से। अच्छा, वीडियो पिछले महीने तो मैं क्या पूरा कोई नहीं डाल पा रहा था, वही सिर्फ वहीं पे वाला वो पुलिस वाला जो आपने बांटा था ना, ट्रैफिक पुलिस को। अरे बारिश हो रही थी ना। अच्छा, मैं कोई भी नहीं बना पा रहा था। अब बारिश देखो कभी भी अचानक शुरू हो जाती है, बारिश में नहीं बनता। हमने अभी 3 के स्टॉक है मेरे पास, एक वीडियो कल आएगा, एक कल आएगा। अच्छा, बाइक के डिटेलिंग वाला। अच्छा, वो बना रखा है। फिर एक हमने मंदिर गए थे आने जाने रिएक्शन, वो बना का। अब ऐसा ना, अब तो बना रहे हैं, अब तो कॉलेज जाना है, स्कूल जाना है बच्चों के। कल शाम में कितने बजे तक आऊंगा अंकल? है कितने बजे तक? 4-5
नहीं चार पाँच नहीं छः बजे का, छः बजे से साढ़े छः बजे तक बस, उसके बाद फिर गाड़ी अंदर रात को चला के अंधेरा हो जाता है। ओके चलो ठीक ठीक आराम से जाओ। ओके तो भाई साहब आज तो भाई अपना दिन बन गया था यार, आज हम मिले प्रो राइडर 1000 के फादर से, जो कि भाई भगवान ने अचानक से मेरी सुन ली और उनसे मीटअप मतलब उनसे छोटा सा एक प्यारा सा मिलन करवा दिया। गाइस बिलीव नहीं हो रहा था कि मैं मिल पाऊँगा, मैंने मैप में देखे थे, मैंने सर्च कर रखा था, बट यार भगवान को मंजूर था कि भाई मिल लो तो मिल लिया यार, बहुत अच्छा लगा भाई। माई डियर आदमी यार, उन्होंने पूछा कि कुछ खाओगे, सुबह से खाए हो या नहीं, मतलब भाई आज मैं भारत देश के सबसे सर्वश्रेष्ठ पिता से मिला हूँ, ये मेरा नज़रिया कहता है। आपका नज़रिया क्या कहता है मुझे नहीं पता, बट ये मेरा नज़रिया कहता है कि मैं आज भारत देश के सबसे सर्वश्रेष्ठ पिता से मिला हूँ। तो चलो फिलहाल चलते हैं आगे और दिखाते हैं अब अपने भाई के पास चलते हैं। आज का दिन तो मेरा बहुत बढ़िया था, इतना दूर पैदल चला बजरंग बली को साथ लेके, उन्होंने कहा चलो तुम्हें छोटा सा मुलाकात करवाते हैं और मिलवा दिया हमें प्रो राइडर 1000 से। यस जय बजरंग बली। उन्होंने कहा भाई ये बहुत अच्छा कर रहे हो, इसको रखे रहना, बहुत मज़ा आया भाई मिलके। और कल उन्होंने बोला आगे 6 बजे तुम घर पे आ जाना शाम के टाइम में, और मुझे एड्रेस भी दे दिया अंकल ने और मैप पे भी पढ़ा है, तो आज 6 बजे आ जाना, तुम रैप्टर को थोड़ा बैठ के देख लेना कैसा है रैप्टर। भाई रैप्टर पे कल आपका भाई बैठेगा, मज़ा आ गया। ओहो और ऐसे तो GoPro मेरी रहने के बंद हो जाती है, बट राइट टाइम पर ना भाई GoPro ने साथ दिया है। चलो आगे चलते हैं, फिर मज़ा आया भाई। फिलहाल गाइस ये मेरा सिट्टू भाई जिसके घर पे आज हम स्टे करेंगे, और उतना दूर से जो है 20-25 किलोमीटर का डिस्टेंस पैदल कवर करके मैं इसके पास आया। तो भाई दोपहर से चल रहे थे और शाम हो चुका है और हम आ चुके हैं देहरादून, यानी आज लगभग 25 किलोमीटर का ट्रैवल जो है हमने कवर किया। बहुत दिक्कत है, अरे भाई भाई बुला रहे हैं यार, एक भैया हैं वो बुला रहे हैं। हाँ जी भैया, हाँ जी भैया, कहाँ से? दिल्ली। दिल्ली से आए हो? बद्रीनाथ? अभी चारों धाम घूम लेना, चारों धाम। हाँ अभी तो दोस्त के घर पे आ जाए। अच्छा अच्छा अच्छा, दिल्ली से पैदल चले? नहीं दिल्ली से ट्रेन से आए थे हरिद्वार, वहाँ से फिर पैदल। अच्छा यहाँ से मतलब पैदल करोगे? हाँ पूरा यहाँ से पदयात्रा करोगे पूरी चारों धाम? बिल्कुल। क्या नाम है भैया आपका? वीरू। दिल्ली में रहते हो? हाँ द्वारका। दिल्ली में किस जगह से? द्वारका। द्वारका हाँ, होम टाउन बिहार। अच्छा होम टाउन बिहार है, बिहार में कहाँ? औरंगाबाद। औरंगाबाद तो क्या क्या है आपके चैनल का नाम? राइड विद वीरू। राइड विद वीरू यही है। चलो भाई जी बढ़िया यार, मिलते हैं। ओके भाई जी, ओके। कल का वीडियो देखिएगा, कल का वीडियो जरूर देखिएगा। अरे बिल्कुल बिल्कुल, कल यही डालोगे ना? बस जय बोले, जय बोले। तो भाई अब हम जा रहे हैं सीधा हॉस्टल पे, और हॉस्टल पे जाके रुकना ना भाई, दूसरे लड़कों को परमिशन है नहीं, बट इन्होंने बोला कि चलो भाई थोड़ा सा हो जाएगा, देखते हैं, ऐसे ही करके तो रुकना है भाई पूरा। अभी अप्रॉक्स नवंबर तक तो हम इधर ही रहने वाले, दिसंबर में शायद घर जाएंगे, इधर का पूरा अभी कवर करना बाकी है। और नहीं भाई मैं गलत नहीं बोल सकता भाई, मैं यार बली का मंदिर है, मैं यात्रा कर रहा हूँ। बजरंग बली का मंदिर है कहाँ से? बस तो भाई अभी यहाँ पे एक बजरंग बली का मंदिर भी है, बहुत दिव्य मंदिर, और बजरंग बली तो हमारे साथ ही रहते हैं 24 घंटा पीछे, आज ही लिया इनको मैंने। गाइस आ जाओ भाई, बाबा का मंदिर है यार, कानपुर चौक देहरादून, करनपुर चौक देहरादून। अरे भाई मिलते हैं अंदर आने के बाद। आपको कैसा लगा फटाफट से कमेंट करके बता दीजिए, अगर यहाँ तक आपने वीडियो को देख लिया तो अपने दोस्त में शेयर कर दीजिएगा, और कल मिलेंगे प्रो राइडर 1000 के घर पे। बाय बाय।